नमस्कार, मैं तनु जांगिड़ और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। IIMT विश्वविद्यालय को IIC रैंकिंग में उच्च स्थान, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दी विशिष्ट रैंकिंग। IIMT विश्वविद्यालय मेरठ को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से IIC रैंकिंग में उच्च स्थान मिला है। इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल यानी IIC द्वारा देश भर के विश्वविद्यालयों को रैंकिंग दी गई है, जिसमें सर्वोच्च स्टार के साथ IIMT विश्वविद्यालय को उच्च स्थान प्राप्त हुआ है। इनोवेशन और स्टार्टअप प्रमोशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर IIMT विश्वविद्यालय ने यह उपलब्धि हासिल की है। कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा ने बताया कि IIMT विश्वविद्यालय को IIC की सर्वोच्च स्टार रैंकिंग 3.5 मिली है। देश भर के तमाम सरकारी और गैर सरकारी विश्वविद्यालयों में से मात्र 59 विश्वविद्यालयों का ही 3.5 स्टार रैंकिंग के लिए चयन किया गया है। इस श्रेणी में उत्तर भारत के सिर्फ 4 विश्वविद्यालय शामिल हैं, जिनमें IIMT विश्वविद्यालय अग्रणी रहा है। पिछले वर्ष भी IIMT विश्वविद्यालय देश भर के अग्रणी 10 विश्वविद्यालयों में शामिल रहा था। IIMT विश्वविद्यालय को वर्ष 2018 से ही उच्चतम स्टार 04104 प्राप्त है। तिहाड़ जेल से दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का नया वीडियो आया सामने, भाजपा ने उठाए सवाल। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का नया वीडियो सामने आया है। भाजपा ने करीब 1.5 मिनट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसमें बैरक के भीतर सत्येंद्र जैन खाना खाते नजर आ रहे हैं और एक व्यक्ति उनकी सेवा में लगा हुआ है। भाजपा ने कहा कि सत्येंद्र जैन अब लजीज खाने का लुफ्त उठाते दिखाई दे रहे हैं। एक अटेंडेंट उन्हें खाना परोस रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे रिसोर्ट में छुट्टियां मना रहे हैं। इससे पहले तिहाड़ जेल से सत्येंद्र जैन के 4 वीडियो सामने आए थे, जिसमें वो मसाज कराते नजर आ रहे थे। सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 31 मई को गिरफ्तार किया था, उसके बाद से ही वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर असम के सीएम ने कसा तंज, बोले सद्दाम हुसैन जैसा हो रहा चेहरा। गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी की स्टार प्रचारक और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उनके चेहरे की तुलना इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन से की है। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी की बढ़ी हुई दाढ़ी में फोटो चर्चा का विषय बनी हुई है। राहुल गांधी के इसी लुक पर असम के मुख्यमंत्री ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का चेहरा बदल गया है। चेहरा बदलना गलत नहीं है, लेकिन आपको अगर चेहरा बदलना ही है तो सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर गांधी जी जैसा कर लो, लेकिन आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होता जा रहा है। तीसरी क्लास में पढ़ रही रिया बनी यूपी की गूगल गर्ल, देश विदेश की सामान्य जानकारी जुबान पर। यूपी के गोंडा जिले के सालपुर बाजार की रहने वाली 8 साल की रिया को विश्व के तमाम देशों, उनकी राजधानी और करेंसी आदि के साथ ही देश के बारे में बहुत सी जानकारियां हैं। रिया को भारत के पड़ोसी देशों के साथ तुर्क वंश, गुलाम वंश और मुगल वंश के सभी शासकों के नाम याद हैं। संस्कृत में सबसे कठिन माने जाने वाले महेश्वर सूत्र, शिव तांडव और गीता के तमाम श्लोक भी रिया ऐसे सुनाती हैं जैसे उसके सामने किताब रखी हो, इसलिए लोग उसे यूपी की गूगल गर्ल कहने लगे हैं। रिया सरकारी प्राथमिक विद्यालय में 3री क्लास में पढ़ती हैं और उनके पिता रामधन तिवारी प्राथमिक विद्यालय में ही अध्यापक हैं। उसके पिता का कहना है कि रिया को कबीर, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूरदास आदि का जीवन परिचय भी याद है। अमेरिका के वर्जीनिया में वॉलमार्ट स्टोर में फायरिंग, 10 लोगों की मौत। अमेरिका के वर्जीनिया स्थित वॉलमार्ट स्टोर में हुई फायरिंग में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। बताया जाता है कि स्टोर के मैनेजर ने अपने स्टाफ पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी और बाद में खुद को गोली मार ली। पुलिस अफसर लियो कोसेंस्की के अनुसार वॉलमार्ट स्टोर के अंदर हमलावर की डेड बॉडी मिली है। पुलिस के अनुसार फायरिंग में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। इसके अलावा अमेरिका के ओहायो में हुई गोलाबारी में 4 लोगों की जान गई, जबकि इंडियाना में हॉलिडे पार्टी के दौरान हुई फायरिंग में 10 लोगों को गोली लगी, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई। मुश्किल में क्रिकेटर युवराज सिंह, गोवा पर्यटन विभाग ने नोटिस जारी कर किया तलब। गोवा पर्यटन विभाग ने क्रिकेटर युवराज सिंह को नोटिस भेजकर सुनवाई के लिए 8 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है। नोटिस में युवराज सिंह से पूछा गया है कि पर्यटन व्यापार अधिनियम के तहत विला का रजिस्ट्रेशन न कराने पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। नोटिस में कहा गया है कि मोरजिम में स्थित आवासीय परिसर को कथित तौर पर
होम स्टे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और यह बुकिंग के लिए ऑनलाइन भी उपलब्ध है। दरअसल गोवा पर्यटन व्यापार अधिनियम 1982 के अनुसार राज्य में बिना रजिस्ट्रेशन के विला को होम स्टे के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बॉलीवुड डायरेक्टर सुनील दर्शन का सनी देओल पर बड़ा आरोप, कहा नहीं लौटाए पैसे। डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुनील दर्शन और एक्टर सनी देओल के बीच 1996 में आई फिल्म अजय के सेट पर मतभेद हुए थे, जब तक कायम है। सुनील दर्शन ने बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में कहा कि सनी देओल में बहुत ईगो थी, उन्होंने मेरे पैसे नहीं लौटाए और कहा कि वे उनकी फिल्म करेंगे, लेकिन मुझे बेवकूफ बनाया और शूट की डेट पोस्टपोन करते रहे। इस तरह कॉन्ट्रैक्ट में जो टाइम था वह निकल गया। तब वकीलों ने सनी देओल को नोटिस भेजा तो उनकी लीगल टीम ने जवाब दिया कि एक्टर को एक डायलॉग पसंद नहीं आया। इसके बाद सनी देओल को लंबी लड़ाई में खींच लिया गया और अब तक जारी है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए IIMT मीडिया।